वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन इज मेड ऑफ टू रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमें याद रखने हैं वो थे पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट इज बेस्ट बिकॉज इट वर्क्स इन बेसिक मीडिया, इट वर्क्स इन एसिडिक मीडिया एंड इट वर्क्स इन न्यूट्रल मीडियम, व्हाइल एज पोटेशियम डाइक्रोमेट वर्क्स ओनली इन एसिडिक मीडियम। वो मैंने कल आपको सिखाया। उसके बाद हमने पढ़ा हम कैसे बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस को। हमने दो मेथड्स यूज किए, एक का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसमें हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं, फिर करते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस, उसके बाद उन दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। और सेकंड मेथड जो था उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम हम वही यूज करते हैं। कल हमने 7 एग्जांपल्स किए हम कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम, वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया। आज हम कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल नंबर 8। लेट अस स्टार्ट। चलो बेटा कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल नंबर 8 से हम। इट इज 8th एग्जांपल, आपको बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। इट इज 8th। पूछा बेटा क्या चीज रिएक्शन, इसने दिया है Cl2 आयोडेट OH नेगेटिव, ये रिएक्टेंट्स है, ये कन्वर्ट हुए हैं Cl नेगेटिव IO4 नेगेटिव एंड वाटर। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। आपको ये भी बताना है इसमें कौन एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। जल्दी करो, कौन सा बेटा क्रिस्टल गैलेक्सी है। सबसे पहले आप लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्लोरीन का 0 होगा, आयोडीन का होगा +5। आप कर भी सकते हो, इस क्लोरीन का -1 है, इस आयोडीन का होगा +7। ठीक है बेटा, अब देख क्लोरीन यहां से यहां चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, ये चुकमुत 0 पे गई -1, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। हाउ मेनी क्लोरीन आई हैव रिएक्टेंट को देखना है, क्लोरीन इसका मतलब है इस रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर 2 के बराबर। वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ए रिएक्शन, ये मैंने कल आपको सिखाया है। इसे समझवा कोर में वैलेंसी फैक्टर मोलू, यह रिएक्शन में क्या हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इसका मतलब है ये रिएक्शन क्या है, इट इज ए रिडक्शन रिएक्शन। यदि रिडक्शन रिएक्शन उसका मतलब ये हुआ Cl2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे क्वेश्चन का आंसर निकला, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो से बेटा मैं सेकंड, यम साथ आई कन्वर्ट गो यथमस, ये आई इस आई में कन्वर्ट हुआ, बताओ बेटा क्या हुआ, इस रिएक्शन में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ +5 से +7, इसका मतलब है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए। हाउ मेनी आयोडीन आई हैव, मेरे पास एक ही आयोडीन है, इसका मतलब है इसका वैलेंस फैक्टर 2 है। जो ये रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होता है, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका मतलब है आयोडीन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। पूछा बेटा वन, अगर मैं लिखूं 2 1s, इसका मतलब है मैं इस रिएक्शन का जो वैलेंसी फैक्टर है एक मान के चलूंगा, इस रिएक्शन का जो वैलेंसी फैक्टर है इसको भी एक मान के चलूंगा। आई मीन मतलब वो बागर में क्रिस क्रॉस कर, ये इनके नंबर से कर यह जरब और इसका जो नंबर आया 1, इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी फैक्टर दोनों रिएक्शन का इक्वल है। जल्दी लिखो, यू गो 1 टाइम Cl2 +1 टाइम IO3 नेगेटिव +OH नेगेटिव, याद रखना ये रेडिकल है, दोनों एटम पे नेट चार्ज क्या है -1 के बराबर, इसका मतलब है O स्पेक्ट चार्ज -2, H स्पेक्ट चार्ज +1। आपको पता है क्या बनाइए, ये है Cl नेगेटिव
यहां पर है आई ओ फोर नेगेटिव वाटर पूछ सा बेटा सिंस ओ एच नेगेटिव इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन इसका मतलब है ये मीडियम क्या है बेसिक करो बैलेंस क्लोरीन को क्लोरीन जो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो आयोडीन चार आयोडीन चार सिंस रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम हम क्या बैलेंस करते हैं चार्ज को वन चार्ज को तक यहां पर नेगेटिव चार्ज है दो माइनस टू यहां पर नेगेटिव चार्ज है तीन इसका मतलब है इट शुड बी टू टाइम गोना नेगेटिव चार्ज बैलेंस नेगेटिव चार्ज आया यहां पर तीन यहां पर भी आया ये दो है और ये एक तीन अब आप चेक करो यहां पर हाइड्रोजन भी बैलेंस है यहां पर ऑक्सीजन भी बैलेंस है देख वन सा कर्स ऑक्सीजन त्रेता जगह पांच यहां पर भी चार और एक पांच हाइड्रोजन को देखो दो हाइड्रोजन दो इसका मतलब दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन नोट करो दिस वाज एग्जांपल नंबर एट जल्दी नोट करो चलो बेटा एग्जांपल नाइन पे आ जाओ एग्जाम्पल नंबर नाइन हमारे पास है परऑक्साइड H2O2 इसको हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ फेरस के साथ इस बनावन फेरिक Fe3+ और हमें मिलता है वाटर इस रिएक्शन को बैलेंस करो उससे बेटर सबसे पहले आपको याद रखना है इचाक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन क्योंकि H2O2 दिस स्पीसीज कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने कल आपको ट्रिक सिखाया यह रिएक्शन में गौर नजर से ऑक्सीजन को दी ना अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या रिलीज करेगा O2 हमें आइडिया मिला क्योंकि यहां पर O2 नहीं मिला इसका मतलब है हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है इस रिएक्शन में इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ आवा दूरी समझ ये क्या शुमस हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन दिस आयरन कन्वर्ट्स फ्रॉम दिस फॉर्म टू दिस इसको इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं इसका मतलब ये क्या है दिस वन इज रिड्यूसिंग एजेंट व्हेयरएज हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है अगर ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट तिल के दिए ऑक्सीजन करो बैलेंस इस रिएक्शन को और यहां पर लिखना मीडियम इज एसिडिक इसने मेंशन किया है ये मीडियम क्या है एसिडिक जल्दी करो वन सा बेटा सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर बता दो परऑक्साइड में क्या होता है माइनस वन कैज दो एचएन के जो प्लस इसका मतलब है दो ओपे कितना आएगा माइनस टू एक ओपे माइनस वन इट इज परऑक्साइड वाटर में हमेशा जो ऑक्सीजन होता है उस पर कितना चार्ज माइनस टू ऑक्सीजन जनरली शोज माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ परऑक्साइड इट इज ऑक्सीजन नंबर इज माइनस वन ये मैंने कल बोला और इन केस ऑफ सुपरऑक्साइड इट इज माइनस वन बाई टू इन केस ऑफ अगर ऑक्सीजन है प्रसिद्ध का से फ्लोरिन से तब जाके ओ पे आएगा कौन सा चार्ज पॉजिटिव वो आपको पता है जल्दी करो बैलेंस ईगो यूथमस कन्वर्ट इसका मतलब है ये कौन सी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन बता दो बैलेंस इफेक्ट चार्ज को देखो ट्रांसफर दो से तीन एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसका मतलब वन हाउ मेनी आयरन आई हैव एक इसका मतलब है बैलेंस इफेक्ट वन के बराबर वन सा बेटा ये ओ यहां से यहां चला गया माइनस वन से माइनस टू इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आई हैव कस ओश में दो से मल्टीप्लाई कर दो इसका मतलब है टू इस रिएक्शन का वैलेंस फैक्टर टू है इस रिएक्शन का वैलेंस फैक्टर वन है अगर नहीं समझ आओ अगर आपको समझ नहीं आया तो आप करो वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किसके बराबर है फाइनल चार्ज माइनस टू फाइनल माइनस इनिशियल चार्ज कितना है माइनस वन इट इज माइनस वन हाउ मेनी एटम्स आई हैव कस्ट दो से मल्टीप्लाई करो बताओ बेटा किसके बराबर आएगा माइनस टू प्लस वन इंटू टू ये मॉड में आएगा माइनस वन इंटू टू इसका मतलब है टू के बराबर आएगा वैलेंसी फैक्टर यही मैंने निकाला क्लियर आप देख वो क्या करो तुम हम करेंगे क्रिस क्रॉस हम क्यों करते हैं ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ठीक है बेटा करो क्रिस क्रॉस ये इनके नंबर से चुन जरूरत यह रिएक्शन और इसका जो नंबर आया वन इससे इसको जरूरत करो वन सा कैंडी इट इज वन टाइम H2O2 प्लस टू टाइम Fe2+ गैप रखो यहां पर
इधर चले आओ, क्या बनाइए, एफ ई थ्री प्लस एंड वाटर। पूछा बेटा युगम, इधर देखो, बताओ इस रिएक्शन में, आयरन वाली रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, वन टू इंटू वन, कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, क्योंकि इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वैलेंस फैक्टर इज वन, इसको दो से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। आप देख यहां पर गेन होना चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा एच टू ओ टू वाली रिएक्शन का वैलेंस फैक्टर क्या है, टू, ये है टू, लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या लिखा मैंने, वन, वन जारी टू किसके बराबर, टू के बराबर, समझ आ रहा है, यही इंपॉर्टेंस है क्रिस क्रॉस के, क्रिस क्रॉस से कसम से ये इलेक्ट्रॉन्स ये गए प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, क्योंकि टू कितना मैंने दो से मल्टीप्लाई किया, टू, बता दो इस वाली रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर क्या है, वन, टू इंटू वन किसके बराबर, टू के बराबर, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, तिमे इलेक्ट्रॉन गई कंज्यूम कथ मज, रिडक्शन रिएक्शन में, इसीलिए हम करते हैं क्रिस क्रॉस, सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम्ड इन रिडक्शन रिएक्शन, यही है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिस क्रॉस, समझ आओ। आ जाओ आप इस रिएक्शन पे, ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, बैलेंस कर दो पहले आयरन को, आयरन इथाइलेट यहां पर दो, अब बता कितने ऑक्सीजन से, यहां पर हमारे पास दो है, इसका मतलब दो से मल्टीप्लाई करो, वहां से बेटा कर्स आई चाहिए एच चार, इसका मतलब है यहां पर आएगा फोर टाइम्स एच प्लस, बिकॉज मीडियम इज एसिडिक, बताओ रिएक्शन क्या बैलेंस किन की, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन हमारे पास है, रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है, देख बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, चार, यहां पर दो ऑलरेडी है, इसका मतलब दो ही टू से मल्टीप्लाई करना है, टू टाइम्स एच प्लस, अब देख हाइड्रोजन चार चार, आयरन दो, आयरन दो, ओ को देखो दो, आयरन दो, अब हमें देखना है चार्ज, वन चार्ज को देखना, ये फोर फोर और दो छह, प्लस सिक्स है यहां पर, इसका मतलब यहां पर ही प्लस सिक्स है, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, नोट करो और नीचे लिखना जो ये रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, इसका मतलब है ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयरन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, नोट करो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर टेन पे आ जाओ, समझो ना ऐसे ही हमें बैलेंस करना है, बहुत आसान है, एग्जाम्पल नंबर टेन पे आ जाओ, हमारे पास है सी आर थ्री प्लस आई ओ थ्री नेगेटिव, कन्वर्ट हुआ है आयोडाइड आयन में, सी आर ओ फोर टू नेगेटिव, बैलेंस कर दो, पूछा बेटा मास्टर क्वेश्चन, ये सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव नहीं है, ये डाइक्रोमेट आयन नहीं है, डाइक्रोमेट आयन एक्ट्स ओनली इन एसिडिक मीडियम, ये क्रोमियम है, ये किसी भी मीडियम में काम करेगा, इसलिए इसमें लिखना है हमें ये कौन सा मीडियम है, मीडियम इज, मैंने यहां पर लिखा मीडियम, इट इज बेसिक, ये मीडियम बेसिक है, आपको बेसिक में ये मीडियम मिला है, चलिए बेसिक मीडियम ये, आपको बैलेंस करना है रिएक्शन को, जल्दी करो, कैसे करोगे, देख बेटा सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, वन सा क्या है, ये प्लस थ्री है, ये क्या है, इट विल बी प्लस फाइव, आयोडीन इज इन माइनस वन, क्रोमियम इन प्लस सिक्स, ठीक है, अब बता क्रोमियम यहां से इधर चला गया, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किए, प्लस थ्री से प्लस सिक्स, इसने तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, हाउ मेनी क्रोमियम आई हैव वन, इसका मतलब है वैलेंसी फैक्टर तीन के बराबर, क्लियर, इस रिएक्शन का बता दो मुझे, आयोडीन कहां से कहां कन्वर्ट हुआ, प्लस फाइव से माइनस वन, इसका मतलब है सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए, देख कैसे, वहां से वैलेंस फैक्टर का बराबर, फाइनल चार्ज कितना है, माइनस वन, माइनस कर दो इनिशियल चार्ज, माइनस इट इज प्लस फाइव, वो बनेगा अब इट इज वन माइनस प्लस फाइव, अब बता हाउ मेनी आयोडीन आई हैव वन, इसका मतलब है ये बनेगा माइनस सिक्स, लेकिन मॉड में है तो बराबर ही शेष बराबर, इसका मतलब है वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर, सिक्स के बराबर, आने मतलब वो ना छह इलेक्ट्रॉन गेन करे, पांच इलेक्ट्रॉन करे पांचन प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज, नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है इस रिएक्शन में सिक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, सिक्स इंटू वन माइनस सिक्स, इसको करो सिंपलीफाई, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा
इसका मतलब ये हुआ नीचे वाले रिएक्शन के लिए वैलेंसी फैक्टर एक मान के चलो, ऊपर वाले रिएक्शन के लिए वैलेंसी फैक्टर टू मान के चलो। आप करो क्रिस क्रॉस, करो बेटा क्रिस क्रॉस जल्दी। एम की वन से दिन जरब और जो इसका इस रिएक्शन का नंबर आया उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी टू टाइम्स सी आर थ्री प्लस, इट विल बी वन टाइम आई ओ थ्री नेगेटिव, गैप रखो इधर आ जाओ, ये बना ये ना आई नेगेटिव सी आर ओ फोर टू नेगेटिव, वो सब बेटा वही करो बैलेंस क्रोमियम को, इट इज टू टाइम, इट शुड बी टू टाइम। आयोडीन को बैलेंस करो, आयोडीन बैलेंस हो गया। सिंस रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, हम अब बैलेंस करेंगे चार्ज को। गुजरा कोता चार्ज है, थ्री टू जा सिक्स प्लस सिक्स को एक कट करो, इसका मतलब है लेफ्ट साइड में प्लस फाइव चार्ज है, राइट साइड में आ जाओ कितना है फोर एंड वन, इट इज माइनस फाइव। अब हमें लेफ्ट साइड में चाहे माइनस फाइव चार्ज, राइट साइड में है माइनस फाइव, लेफ्ट में चाहे माइनस फाइव, इसका मतलब है यहां पर आपको ओएच नेगेटिव ऐड करना है, एक ओएच पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है मुझे टेन मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। ये बनना माइनस दह, ये साथ में माइनस दह सवाल प्लस पांच, यहां पर बचेगा माइनस फाइव, चार्ज बैलेंस हुआ। जैसे ही चार्ज बैलेंस हुआ आप बैलेंस करो किसको, ऑक्सीजन को। वन सा बेटा ये ओएच कोड ये पानी से आएगा, इसका मतलब यहां पर वाटर एड करना पड़ेगा H2O। बताओ कितने हाइड्रोजन है हमारे पास है 10 हाइड्रोजन, इसका मतलब है इट विल बी फाइव टाइम्स रिएक्शन विल बी बैलेंस। आप चेक करो ये रिएक्शन बैलेंस हुई है। वो सब बेटा क्रोमियम ज क्रोमियम ज, हमारे पास है आयोडीन एक आयोडीन एक, हमारे पास है ओ टेन ओ है हमारे पास, ये बैलेंस इट इज टेन एंड थ्री थर्टीन है, थर्टीन है ओ, इसका मतलब है एट एंड फाइव 13। एच को देखो इट इज 10, इट इज 10, चार्ज भी बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। नोट करो ये रिएक्शन बैलेंस, आप चेक करो इसको, मैंने बैलेंस किया। सबसे पहले आप निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद वैलेंस फैक्टर निकालो ऑक्सीजन रिएक्शन का और रिडक्शन रिएक्शन का, फिर करो क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मैंने क्यों किया देख बेटा, वन सा ये वैल्यू क्या था टू, बता दो क्रोमियम वाली रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर क्या है एक है, इसका मतलब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए दो इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाओ इस पे, इसका वैलेंसी फैक्टर इसका क्वेश्चन क्या है वन, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस मॉलिक्यूल आई ओ थ्री नेगेटिव, ये किसके बराबर टू, इसका मतलब है इस रिएक्शन में भी दो ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, ये इलेक्ट्रॉन लॉस तुम खे यही है इंपॉर्टेंस किसका क्रिस क्रॉस का, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट बैलेंस्ड। क्रिस क्रॉस के बाद आप करो चार्ज को बैलेंस क्योंकि ये बेसिक मीडिया है, फिर आप बैलेंस करो ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को, दो में से एक ही बैलेंस करो, दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। दिस वाज 10th, 11th पे आ जाओ, समुचे यून ऐसे ही करना है। 11 सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव एस ओ थ्री टू नेगेटिव कन्वर्ट इंटू, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें सी आर थ्री प्लस एस ओ फोर टू नेगेटिव, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो और मुझे बताओ ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इस रिएक्शन का, और ये किस मीडियम में हो रहा है। देख बेटा ये क्या करो यूज, इट इज डाइक्रोमेटायन, इट ऑलवेज एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम, इसका मतलब है ये रिएक्शन हमेशा होगी किसमें एसिडिक मीडियम में, इतना आपको आना चाहिए। वो सब बेटा वही, सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर लिखो, क्रोमियम प्लस सिक्स सल्फर प्लस फोर, आप निकाल भी सकते हो सल्फर विल बी इन प्लस सिक्स, ठीक है सबसे पहले यही करना है इन केस ऑफ ऑक्सीजन नंबर मेथड। क्रोमियम यहां से यहां चला गया, बताओ छह से तीन में चला गया, इसका मतलब तीन इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, लेकिन हाउ मेनी क्रोमियम आई हैव टू, इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर छह के बराबर। सल्फर कहां से कहां चला गया, सल्फर वो प्लस चौर में प्लस छह, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, हाउ मेनी सल्फर आई हैव, हमारे पास एक ही सल्फर है इसका मतलब दो, ठीक है। जो ये रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, इसका मतलब है
ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइक्रोमेट आयन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिएक्शन क्या है? दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब सल्फर विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्लियर? सिंपलीफाई करो, टू वन टू टू थ्री, इसका वैलेंस फैक्टर तीन मान के चलो और इसका वन, क्रिस क्रॉस। ये इनके नंबर से करो ये जरब और इस वाले रिएक्शन के नंबर से इसको जरब करो, क्रॉस करो उल्टा, बताओ क्या आएगा? इट इज वन टाइम सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव, इट विल बी थ्री टाइम एस ओ थ्री टू नेगेटिव। यहां पर गैप रखो, इधर आ जाओ, क्या मिला मुझे? प्रोडक्ट में मिला सी आर थ्री प्लस और हमें मिला एस ओ फोर टू नेगेटिव। देख बेटा, करो बैलेंस, ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कहा से बैलेंस जल्दी, क्रोमियम ज, क्रोमियम ज, सल्फर कौन सी? थ्री, इट विल बी थ्री टाइम। करो बैलेंस ऑक्सीजन को, कितना ऑक्सीजन है बताओ? इट इज नाइन, नाइन प्लस सेवन इट इज सिक्सटीन, ये कितना है? बारह। अब हमें चाहिए चार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑलवेज गिवन बाय वाटर, यहां पर वाटर डालो एच टू ओ, कितने होंगे? फोर, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। अब कितना है यहां पर हाइड्रोजन? फोर टू सा एट, यहां पर एड करो एट टाइम्स एच प्लस, क्योंकि मीडियम इज एसिडिक, ये रिएक्शन बैलेंस है। यू कैन चेक चार्ज, वन चार्ज को ये माइनस टू है, ये माइनस सिक्स है, ये प्लस एट है, बताओ कितना है? जीरो के बराबर। इधर आ जाओ, थ्री टू जा सिक्स, ये प्लस सिक्स है, थ्री टू जा सिक्स, ये भी जीरो के बराबर। राइट साइड में चार्ज जीरो के बराबर, लेफ्ट साइड में चार्ज जीरो के बराबर, दिस रिएक्शन इज बैलेंसर। और याद रखना, इस रिएक्शन में मैंने आपको कल ही सिखाया, यहां पर ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, हम यूज करते हैं इंडिकेटर यहां पर डाई फिनाइल अमाइन को, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया, डाई फिनाइल अमाइन को हम इंडिकेटर यूज करते हैं, यूट्यूब एड कर एसओ थ्री, ये एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट, अभी आपको मैंने सिखाया एसओ थ्री इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इक्विलेंस पॉइंट आएगा उस वक्त इसके मोल्स, रिड्यूसिंग एजेंट के मोल्स किसके बराबर होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मोल्स के बराबर। ये तो ये खत्म गए, अब सी आर टू ओ सेवन इलेक्ट्रॉन निकालेगा किससे? इंडिकेटर से। जैसे ही वो इंडिकेटर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इस पर आएगा कलर, ये तो ये कलर ही चाहो एंड पॉइंट, इसका मतलब है डाइफिनाइल अमाइन इज यूज्ड एज इंडिकेटर एट इक्विलेंस पॉइंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट खत्म होगा, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स कहां से लेगा? इंडिकेटर से, और इंडिकेटर विल शो कलर, उसका मतलब है रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया। नोट करो, चलो बेटा ये बात क्लियर। ट्वेल्व पे आ जाओ, एम एन ओ फोर नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एम एन ओ टू एंड बी आर ओ थ्री नेगेटिव, इसको बैलेंस कर दो और मुझे बताओ मीडियम क्या है, कल मैंने आपको सिखाया। ठीक है बेटा, वन सा ऑक्सीजन स्टेट, ये होगा प्लस सेवन, मैंने बताया आपको, ये किसमें होगा? प्लस फोर में होगा, ब्रोमीन विल बी इन प्लस फाइव, ये ब्रोमीन माइनस वन में। क्लियर? मैग्नीज यहां से यहां चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स? तीन इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए, बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थ्री इंटू वन, क्योंकि एक ही मैग्नीज है, इसका मतलब है इसका वैलेंस फैक्टर तीन है, ये तो त्रई वैलेंस फैक्टर मैंने आपको बोला है, द मीडियम विल बी बेसिक। अगर हम पांच इलेक्ट्रॉन गेन करें तो मीडियम वुड हैव बीन एसिडिक, वेरी गुड। बताओ इसमें क्या हुआ? वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करो, वन सा बेटा, जब गड़बड़ हो जाएगा तो यूज करो मैथमेटिकल फार्मूला, फाइव यहां पर कितना है नंबर? प्लस पांच, माइनस कर दो, यहां का नंबर क्या है? इट इज माइनस वन, लिखो माइनस वन, लेकिन मॉड में। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम? रिएक्टेंट में कितनी एटम्स है? एक है, एक से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा फाइव प्लस वन इंटू वन, इट विल बी इक्वल टू सिक्स इंटू वन, किसके बराबर? छह के बराबर आएगा, समझा? इसका वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू सिक्स। क्लियर? और यह टेस्ट वैलेंसी फैक्टर
इट इज 6:1, ये 6 के बराबर है। इसको करो सिंपलीफाई, 3 1s 3 2s, क्लियर? करो क्रिस क्रॉस जल्दी, यू कैन गो फॉर क्रिस क्रॉस। ये के नाम पर सिद्ध किया जा रहा हूं, इट इज 2 times MnO4- इट विल बी, इसके नंबर से इसको 1 time Br-, क्लियर? गैप दे दो थोड़ा, क्या बनाई ओडी, प्रोडक्ट में आएगा MnO2 और हमें मिलेगा Br-O3-। सिनस रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, ये किस मीडियम है, बेसिक। चार्ज को बैलेंस कर दो, वन कोता चार्ज है, को -2 और -1, यहां पर -3 है, एक पर मैग्नेट पे कितना चार्ज है -1, दोनों पर कोता है -2, तेल सी और टोटल -3। यहां पर बता दो ये एक माइनस है, इसका मतलब है यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा OH-, कितने 2 आयोत्र। अब ये OH कहां से आया, ये पानी से आया, इसका मतलब यहां पर वाटर डालना पड़ेगा, कितना हाइड्रोजन, मुझे 2 चाहे, हाइड्रोजन 2 चाहे, रिएक्शन बैलेंस। अब आप चेक करो स्पीसीज को, मैग्नीज 2, मैग्नीज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर? ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन 1 है, बता दो ओ कितने हमारे पास, 4 2s 8 and 1 9, 4 3 and 2 हो गया ना 9, बेस 4 4 7 9, यहां पर सब स्पीसीज बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। इस रिएक्शन को हमने बैलेंस किया और आपको पता है MnO4 acts as सेल्फ इंडिकेटर, इसका कलर एंड पॉइंट पे कन्वर्ट होगा किसमें, पिंक में, स्लाइट पिंक में, वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया, इट इज सेल्फ इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर, आपको इंडिकेटर डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया, नोट करो। थर्टीन पे आ जाओ, थर्टीन पे आ जाओ, MnO2+I2, इसको भी बैलेंस कर दो, कहां से बेटा जल्दी बैलेंस है, बता दो मुझे कौन ऑक्सीडेशन एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये है +7, ये -1 है, ये क्या है +4, ये 0 है, जल्दी वन से कितना, ये है 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन की, इसका मतलब है ये एक्ट करेगा किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, आपको आइडिया मिल गया, इन बेसिक मीडियम पर मैग्नेट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन, इसका मतलब है मैग्नीज एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। आयोडीन यहां से यहां चला गया, बता दो एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, कितने आयोडीन है, एक ही है, इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर 1 है, समझ आवा, आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, फाइनल में कितना चार्ज है 0, माइनस इनिशियल में चार्ज कितना है सर -1 है, हाउ मेनी आयोडीन आई हैव, 1 है, इसका मतलब 1 के बराबर आएगा, वही मैंने लिखा। इस नंबर से ये रिएक्शन कौन है, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका मतलब है आयोडीन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, लॉस करेगा। करो क्रिस क्रॉस जल्दी, इस नंबर से इसको, इट इज 1 time MnO4-, इट इज 3 time I-, गैप दे दो, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा MnO2 और हमें मिलेगा I2। मैग्नीज को बैलेंस कर दो, 1 है, 1 मैग्नीज है, आयोडीन कितने हैं, 3, यहां पर 2, इसको बैलेंस कर दो, इट विल बी 3/2, ठीक है 3/2, गो बैलेंस, आयोडीन बैलेंस, यस। अब देख, अब हमें चार्ज बैलेंस करना है क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, वन चार्ज को दश, यहां पर -4 है लेफ्ट साइड में, यहां पर न्यूट्रल है भी, यहां पर डालो OH-, कितने 4, अब यहां पर डालो वाटर, कितने एच आपने डाले 4, इसका मतलब है 2 water molecule डालने पड़ेंगे, कहां से बेटा चेक, अब मैग्नीज बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ओ को बैलेंस कर दो, इनमें 4 4 6, ये 2 हो गए और ये 4, सब कुछ बैलेंस हो गया, MnO4 acts as सेल्फ इंडिकेटर, आपको पता है पर मैग्नेट आयन एक्ट्स एज सेल्फ इंडिकेटर, नोट करो। ठीक है,
लास्ट पे आ जाओ। देख बेटा वन इंपॉर्टेंट अख रिएक्शन याद था, फिर हम कंटिन्यू करेंगे हाउ टू बैलेंस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और उसके बाद में आपको होम एक्सरसाइज दे रहा हूं। देख बेटा हमारे पास है Cu2+ क्यूप्रिक आयन, इसका नाम है क्यूप्रिक, यहां पर ऑक्सीजन स्टेट है कॉपर का +2 क्यूप्रिक। क्यूप्रिक आयन का ट्रीट आयोडाइड से, किन से आयोडाइड, ये बनाएगा क्यूप्रस आयोडाइड Cu2I2, यहां पर ऑक्सीजन कॉपर क्या क्या है +1, इसका नाम है क्यूप्रस, ये साल्ट है, ये साल्ट। बताओ हमें क्या मिलेगा, I2 आयोडीन मिलेगा, रिएक्शन को बैलेंस कर दो, इट विल बी 2 टाइम, ये बैलेंस हो गया। दपन अगर मुझे रिएक्शन में स्टार्च ऐड कर, इफ आई ऐड स्टार्च तो हमें मिलेगा इंटेंस ब्लू कलर, क्या मिलेगा ब्लू कलर। लेकिन जो ये आयोडीन है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, S2O3 2-, थायोसल्फेट आयन के साथ ये रिएक्ट करता है, थायोसल्फेट आयन रिएक्ट करता है I2 के साथ, याद रखना ये JEE के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमें मिलता है I- 2 टाइम्स, वो I- रिएक्ट करेगा किसके साथ Cu2+, और हमें मिलेगा यहां पर S4O6 2-, इसका मतलब ये 2 टाइम है, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। देख बेटा ये रिएक्शन है आयोडोमेट्री, इस रिएक्शन में हम आयोडीन को एस्टिमेट करते हैं कितना आयोडीन रिलीज हुआ। इस रिएक्शन में हम यूज करते हैं इंडिकेटर स्टार्च, हमेशा याद रखना। देख बेटा अगर थायोसल्फेट आयन इज प्रेजेंट देन आयोडीन इज कंज्यूम्ड, उस वक्त कलर डिसअपीयर होगा, ब्लू कलर नहीं आएगा। लेकिन जब थायोसल्फेट आयन खत्म होगा, ये खत्म हुआ, उस वक्त आयोडीन विल रिएक्ट विद स्टार्च और हमें मिलेगा इंटेंस ब्लू कलर, वहां से आपको आईडी मिलेगा रिएक्शन इज कंप्लीटेड। इसका मतलब यह है इन दिस रिएक्शन आयोडोमेट्री रिएक्शन स्टार्च इज यूज्ड एज इंडिकेटर, हमेशा याद रखना। और थायोसल्फेट आयन रिएक्ट विद आयोडीन, उस वक्त कोई कलर नहीं आएगा, कलर विल डिसअपीयर। व्हेन थायोसल्फेट आयन इज फिनिश्ड, इट इज कंज्यूम्ड, इट इज ये रिएक्शन में खत्म हो गया, उस वक्त आयोडीन विल गिव इंटेंस कलर विद स्टार्च, ये याद रखना, दिस इज आयोडोमेट्री। ठीक है बेटा, यू गो क्लियर, इन केस ऑफ आयोडोमेट्री इंडिकेटर इज स्टार्च, आयोडीन गिव्स इंटेंस ब्लू कलर विद स्टार्च, बट व्हेन थायोसल्फेट आयन इज प्रेजेंट ब्लू कलर डिसअपीयर्स, उस वक्त ब्लू कलर नहीं आता है क्योंकि आयोडीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, थायोसल्फेट आयन के साथ। जब रिएक्शन का एंड पॉइंट आएगा उस वक्त थायोसल्फेट आयन खत्म होगा, जब वो खत्म होगा उस वक्त आयोडीन विल गिव ब्लू कलर विद स्टार्च, ये JEE के लिए याद रखना, इन आयोडोमेट्री रिएक्शन इंडिकेटर इज स्टार्च, याद रखना। टॉपिक का नाम डालो बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको हमें बैलेंस करना है, इसको हमें क्या करना है बैलेंस। यहां पर हम यूज करते हैं मेथड, याद रखना, वो यूज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये करने एटम्स बैलेंस, आयन से करना बैलेंस, और फिर हम बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को भी, ठीक है, लेकिन अलग अलग रिएक्शन के लिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग से बैलेंस करते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग से बैलेंस करते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं। अगर मैं यहां पर यूज करूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वी ऑलवेज यूज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बिकॉज कैलकुलेशन बिकम्स सिंपल। उस वे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वो क्या, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इधर मैं जिससे रिएक्शन जिंक, इसको मैंने रिएक्ट किया Cu2+ के साथ, ये दुनिया में Zn2+, अगले साल हम पढ़ेंगे, ये रिएक्शन होती है किस में, ड्राई सेल में, ये रिएक्शन होती है गैल्वेनिक सेल में ये रिएक्शन होती है। गुस्सा बेटा इसी रिएक्शन, मुझे इसे बैलेंस करना है, लेकिन मुझे कौन मेथड यूज करना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जिंक का ऑक्सीजन नंबर 0 है, ये कॉपर का 0, बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये इतना सिंपल लिखा, वैलेंस इफेक्ट कैलकुलेट किया,
यहां पर लिखो पहले आइडेंटिफाई करो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कौन है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। लिखो सबसे पहले लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, वन से बेटा क्या छो? इसमें क्या हुआ, जिंक कन्वर्ट हुआ, जिंक में क्या बना, ज़ाइडन 2 प्लस, इसका मतलब है इस रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, क्योंकि जब साथ प्लस टू कर माइनस एड, ये न्यूट्रल बनेगा, लेफ्ट साइड इज न्यूट्रल राइट साइड इज न्यूट्रल, ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब लिखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसमें क्या हुआ, कॉपर 2 प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, वन बेटा क्या बनाइए, इट विल फॉर्म कॉपर सॉलिड, ये रिएक्शन क्या है, इट इज रिडक्शन। वो चुद नजर इलेक्ट्रॉन बराबर, ये इलेक्ट्रॉन हेर गए प्रोड्यूस, गई जो प्रोड्यूस बन गई कंज्यूम, ये बैलेंस, अगर वह इलेक्ट्रॉन हेर आसन त्रे बन आसन ज, तब जाके ऊपर मल्टीप्लाई करना था किसी फैक्टर से, नीचे भी करना था ताकि ये बैलेंस हो जाए। सपोज हेर आए जो बन गए त्रे, ऊपर वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो दो से, नीचे वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो थ्री से, सो दैट इलेक्ट्रॉन आर बैलेंसड, याद रखना अगर ना इलेक्ट्रॉन बैलेंस इनको बैलेंस करो बाय मल्टीप्लाइंग बाय सुटेबल नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस इन दो को ऐड करो, ये टू इसके साथ कट होगा, हमें मिलेगा जिंक, देख बेटा प्लस कॉपर 2 प्लस, हमें मिल रहा है जेड एन 2 प्लस और हमें मिल रहा है कॉपर, इसका मतलब जो ऊपर वाली रिएक्शन है इट इज ऑलरेडी बैलेंसड, ये बैलेंसड रिएक्शन है, याद रखना हेरियम रिएक्शन चाहो बैलेंसड, और इसी मेथड का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हमने आयन्स को भी बैलेंस किया, जिंक को भी बैलेंस किया, कॉपर को भी बैलेंस किया और इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस किया, नोट करो दिस इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब मैं इसको यूज करूंगा टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, पहले नोट करो, यह समझ, दिस इज गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, अगले साल हम पढ़ेंगे, समझ आवा, यू तो याद था उन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, आपको एक पॉइंट याद रखना है, हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को ब्रेक करते हैं इंटू टू हाफ रिएक्शन, एक का नाम है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दूसरे का नाम है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करो, ये साथ इलेक्ट्रॉन बैलेंस गए दुश्मनी रिएक्शन में, इस कारण दुश्मनी रिएक्शन एड, जो नेट रिएक्शन आएगा वही होगा बैलेंसड रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देख बेटा हमारे पास क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया एम एन थ्री प्लस, ये गो कन्वर्ट कथ मज एम एन टू प्लस एम एन ओ टू एंड एच प्लस, ये क्वेश्चन आपको इसे बैलेंस करना है, दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 12, ये सीरियल नंबर 12 पे आएगा, मैंने ऑलरेडी 11 शो किया, ये 12 आएगा, बैलेंस कर दो उससे बेटा, भैया करना मत इसमें क्वेश्चन, सबसे पहले पहचानो ये रिएक्शन कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, इट इज ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, कुछ पढ़िए, मैग्नीज कन्वर्ट हुआ इसमें, इसका मतलब इसको हो गया रिडक्शन, मैग्नीज का यहां पर देखो ऑक्सीजन नंबर कत बराबर चौरस, एम एन ओ टू इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट इसके पास कितना होता है ऑक्सीजन नंबर प्लस 4, ये सब मैग्नीज का कन्वर्ट यथ मज, इसका नंबर इंक्रीज हुआ, नीचे वाली रिएक्शन क्या है ऑक्सीडेशन, ऊपर वाली रिएक्शन क्या है रिडक्शन, इसका मतलब है मैग्नीज एक्ट्स बोथ एज ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, याद था उनको, अच्छा क्लियर, इसका मतलब है ये वाली रिएक्शन है रिडक्शन, ये वाली है ऑक्सीडेशन, लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, बहुत आसान है, वन का बराबर चाहिए, हमारे पास है मैग्नीज 3 प्लस, किसमें कन्वर्ट हुआ, एम बनो थोड़ा गैप दे दो, एम क्या बनो एम एन ओ टू और हमें मिला एच प्लस, इस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ, प्लस 3 से चला गया प्लस 4, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, याद रखना। अब बता प्रोडक्ट्स में है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कहां से आएगा, ये आएगा वाटर से, इसका मतलब है यहां पर जरूर पानी होना चाहिए H2O, बताओ कितनी वाटर है, दो, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, कौन से चाहिए सुवर, इसका मतलब यहां पर एच को 4 से मल्टीप्लाई करो, आप देखो चार्ज वन कुछ चार्ज है प्लस 3, यहां देखो प्लस 4 वैसे माइनस 8, यहां पर भी प्लस 3 है, इसका मतलब चार्ज बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, वह बैलेंस। अब आ जाओ रिडक्शन हाफ रिएक्शन पे, बताओ क्या हुआ उसमें, रिडक्शन रिएक्शन ये है, अथ मज गो मैग्नीज 3 प्लस कन्वर्ट किसमें,
मैग्नीज 2 प्लस, यानी मतलब गो योर चार्ज प्लस 3, योर चार्ज प्लस 1, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, त्रेन वैसे एक नियर प्लस 2, दूसरे अंत प्लस 2, मैग्नीज बैलेंस, यहां पर आयन बैलेंस है, ऊपर वाले रिक्शन में भी आयन बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस है, इसका मतलब है अब मैं इन दो को एड करूंगा, इसको एड कर कॉस मैग्नीसिटी 2 टाइम्स एम एन 3 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कट होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में, ये कट होगा अगर वो इक्वल तार निबल माइनस, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आई हैव, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, अच्छा वन सा बेटा राइट साइड में क्या क्या चीज है, यहां पर है हमारे पास एम एन 2 प्लस, हमारे पास है एम एन ओ 2 और हमारे पास है 4H प्लस, ये है बैलेंस्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, आप काउंट कर सकते हो जू मैग्नीज जू मैग्नीज, हाइड्रोजन कस्टी 4, हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, ओ कितने है 2, ओ 2 है, चार्ज को देखो यहां पर चार्ज 3 × 2 ये है प्लस 6, इधर देखो यहां पर प्लस 4 है और यहां पर प्लस 2 है, ये भी प्लस 6 है, इट इज बैलेंस्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हमने आयन्स को भी बैलेंस किया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस किया, नोट करो ये है बैलेंस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसे ही करना नोट करो। चलो बेटा अब मैं आपको दे रहा हूं होम एक्सरसाइज, जैसे मैंने इन 12 रिएक्शंस को बैलेंस किया आप इन रिएक्शंस को ऐसे ही बैलेंस करना, ठीक है, ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है ऑन बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, टॉपिक का नाम डालो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होम एक्सरसाइज, होम एक्सरसाइज, इट इज होम एक्सरसाइज, ये आपको करना है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया इट इज Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, मैंने आपको 10 बार ये कहा ये कैसे रिएक्शन है, इट इज ब्लैक सुमथिस थर्माइट प्रोसेस, यहां पर एल्यूमिनियम एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये पहला रिएक्शन है बैलेंस करना है, सेकंड एल्यूमिनियम प्लस निकल 2 प्लस क्या देगा, इट इज Al3 प्लस एंड इट इज निकल, थर्ड MnO2 प्लस एल्यूमिनियम कन्वर्ट हुआ Mn में, यहां पर है Al2O3, फोर्थ इट इज MnO4 नेगेटिव SO3 माइनस 2, शायद मैंने ये बैलेंस किया, आप चेक कर लेना, अगर हमने किया तो छोड़ना फिर, MnO4 2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव प्लस वाटर, दिस इज 4, फिफ्थ इज NO2 प्लस Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये एसिडिक मीडियम है, ऊपर वाली रिएक्शन बेसिक मीडियम, क्या बनाइए इट विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरीन गैस वाटर, फिजिकल स्टेट हमने मेंशन नहीं किया, हमें बैलेंस करना है रिडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है, सिक्स पे आ जाओ इट इज MnO2 प्लस HCl, ये एसिडिक मीडियम है, क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैग्नीज क्लोराइड MnCl2, हमें मिलेगा Cl2 गैस एंड वाटर, दिस इज 6, जल्दी नोट करो, ठीक है, सेवंथ पे आ जाओ MnO4 नेगेटिव प्लस SO2, पर है पर हमने इसको भी बैलेंस किया है, अगर नहीं किया आप कर लेना, HSO4 नेगेटिव, ये आपके लिए 7 क्वेश्चंस है होम एक्सरसाइज, यहां पर मैं कंक्लूड करता हूं इस लेक्चर को, ठीक है, आज हमने
देखा हम कैसे बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमने इन डिटेल डिस्कस किया इस मेथड को, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है और इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। साइड बाय साइड हमने डिस्कस किया व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और फाइनली मैंने आपको ये 7 क्वेश्चंस दिए होम एक्सरसाइज, इनको घर में एक बार चेक कर लेना, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना। और यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को, रिडॉक्स रिएक्शन को। मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया ये चैप्टर, ठीक है बेटा। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए वायर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, और मैंने आपको 50 एग्जांपल शो किए जहां पर आपने आइडेंटिफाई किया टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, विच वन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया। JEE और नीट में इसको इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करोगे, आई होप यू विल डेफिनेटली सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस, वो आप अच्छे से करोगे वहां पर, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। टेक केयर, बाय।